हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। राज हेलो बोलो सबको। ये कैसे शर्मा रहे हैं? सो जैसे कि देख सकते हो, आज ब्राउन है, पानी 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 पानी, और दिन भी बारिश आने जाने 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 जाने। तो भाई लोग देख सकते हो कैसे हाल है हमारे फरीदाबाद का, पूरा पानी पानी हो गया है। और हम स्टूपिड आदमी इसी पानी में निकल पड़े हैं। वैसे हम ऐसे घूमने वगैरह के लिए नहीं निकले, एंड आप सबको जैसे पता है कि सावन है, तो हम आए हैं यहाँ पे शंकर जी के दर्शन करने के लिए। एंड पिछले साल भी हम आए थे, जैसे कि ये वाला, जैसे कि आप लोग शिवलिंग देख सकते हो, तो हमने पिछले साल भी हम लोग गए थे, और मैंने उसका ब्लॉग भी डाला था। तो यस, ये हमारे यहाँ के संजय कॉलोनी जो है वहीं का है ये शिव मंदिर, जो काफ़ी फेमस है जैसे कि देख सकते हो। एंड ये वाला जो शिवलिंग पे हम लोग जल चढ़ा रहे हैं, ये मैं आई तो तीसरी बार हूँ, बट मैं ये देखी पहली बार हूँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे यार मैं जब भी आती हूँ तो इतनी भीड़, मैं आपको क्या बताऊँ। वहाँ पे जो टर्निंग की जो गली है उस वहाँ से नहीं, काफ़ी रोड है ना, मतलब क्या पता है, मतलब 2-3 किलोमीटर दूर से ही लाइन, मतलब मुझे तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं कम बोल रही, शायद इससे भी ज़्यादा लाइन नहीं लगती होंगी। तो उतने लाइन, मतलब सड़क से पूरे टोटल, मतलब इतनी धूप लगती है और उसी में लाइन में लोग खड़े रहते हैं दर्शन के लिए। एंड ये जो, मतलब मैं जब आई थी ना यहाँ पे, तो मैं मुझे लगा कि कहीं मंदिर वगैरह बंद तो नहीं है, क्योंकि मतलब हम यहाँ पे हमेशा आते नहीं है ना, कभी कभी जैसे कोई मतलब स्पेशली होता है तो हम आते हैं। तो मतलब वहाँ पे गेट पे 3-4 आंटी मिली थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी मंदिर बंद है क्या? और वैसे भी टाइम मतलब 12 बज चुके थे, क्योंकि हम 11 बजे घर से निकले थे। मॉर्निंग में ना बारिश होने लगी थी, तो और बाबू को ना मैंने सोचा कि यार एट ए टाइम ना, मतलब जानते ही टाइम ये बारिश हो गई थी, और उसका तबीयत मुझे लगा कि कहीं ख़राब वगैरह हो जाएगा, तो इस वजह से ना मतलब जाने का, कल मैंने शाम को इनको बोला था, क्योंकि इनकी ना नाइट शिफ्ट हो गई थी अचानक से, तो मैंने बोला कि चलो यार दर्शन कर लेते, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ रहता है तो हम जाते हैं दर्शन करने के लिए। और ये यहाँ का जैसे कि देख सकते हो गुफा है यहाँ पे, एंड ये तो यार काफ़ी अमेजिंग लगता है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमेशा ये पानी जो है, देखते कितने अच्छे हैं यहाँ पे, ये शिवलिंग शंकर जी का है मूर्ति यहाँ पे, एंड यहाँ पे पानी हमेशा उनकी जगह से गिरती रहती है। एंड मतलब हम जब भी आते हैं तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है ना, कैमरा अलाउ नहीं करते यहाँ पे, मतलब पॉइंट टू पॉइंट पे ना लोग ऐसे गार्ड वगैरह खड़े रहते हैं, और वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि नहीं फ़ोन कैमरा बंद करो, ये करो वो करो, तो फ़ोन मतलब ना अलाउ नहीं करने देते। और वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा रहता है कि फ़ोटोग्राफी करना सख्त मना है। और यहाँ पे है ये गुफा में माता रानी जी, ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैंने शंकर जी वाला देखा था, और जो फॉल हो रहे हैं ना वाटरफॉल वाला, मैंने वो वाला तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं 2-3 बार यहाँ से मतलब होके गई हूँ, जब भी आई हूँ तब गुफा से गई हूँ। एंड यहाँ पे ये जो शनिदेव हैं, नहीं सॉरी ये काली माँ है, और मतलब ये माता रानी का जो है ना, तो दुर्गा जी का वो गुफा, वो वाला मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी, क्योंकि यार इतनी भीड़ होती ना कि बस आगे जाओ, चलते जाओ ऐसे रहता है टाइम, और कैमरा का तो भाई बात ही नहीं होता। और मतलब हम जिस टाइम पे आए थे ना, तो जैसे मैंने आंटी से बोला था कि मतलब बंद है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा मतलब मंदिर बंद तो नहीं है, अंदर सारे लोग हैं मतलब पूजा कर रहे हैं। तो हमें लगा कि अरे क्या बात है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि बारिश की वजह, तो उन्होंने बोला कि ना शिवरात्रि के टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, और सारा डेकोरेशन यार पूछो मत, इतने अच्छे फूलों से सारी सजावट होती है। मतलब हम जब पिछली बार आए थे, तो आप लोग देखना वो वाले वीडियो मेरे चैनल पर होगा, इतनी अच्छी सारी सजावट फूलों से सारे की गए थे, वो जो शिवलिंग था ना वो पूरे जो काफ़ी हाइट वाले जो है ब्लैक में, वही वाले शिवलिंग पूरे ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे वाइट फूल से पूरे के पूरे डेकोरेशन होते रहते हैं, इतना मस्त लगता है ना कि मतलब क्या बोले। मतलब आज के टाइम में जैसे कि देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि बस ये मंदिर जैसे कि हमारा ही हो ऐसे, मतलब इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती, कि मतलब इतने अच्छे से हम दर्शन करके पूजा करके और आराम से घूमे फिरे, और आराम से फ़ोटो वोटो वीडियो वगैरह जैसे कि देख सकते हो कि वीडियो वगैरह भी शूट करे, कहीं किसी ने कोई वो नहीं बोला, मतलब काफ़ी अच्छे से, मतलब मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छे से लगी, काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए बस। क्योंकि यार मतलब हम जब भी आते थे इतनी भीड़, बस आ करके देखते चलो बस ऐसा सीन होता था। एंड अब हम ये जा रहे हो ऊपर की तरफ,
देख सकते हो एक भी कोई भी नहीं दिख रहा, मतलब इतना सोन सन्नाटा जैसे लग रहा है ना कि जैसे देख सकते हो बिल्कुल भी रौनक ही नहीं है। एक तो जैसे कि देख सकते हो मॉर्निंग में ही बारिश हुई थी हमारे यहाँ, मतलब 7-8 बजे तक बारिश होती ही रह गई। एंड देख सकते हो कितना सन्नाटा सा लग रहा है, जबकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ही भगदड़ और भीड़ रहती है ना। जब मेरी मतलब शादी हुई थी ना, फर्स्ट टाइम मैंने यहीं पे आई थी, फर्स्ट टाइम एक जो हमारे यहाँ का एक नंबर का मंदिर है एक वहाँ पे मैं गई थी, एंड सेकेंड बार मैं यहाँ पे मंदिर आई थी, मतलब मैं अपने जेठानी के साथ और मम्मी के साथ सबके साथ आई थी मैं यहाँ पे। तो मतलब फर्स्ट टाइम यहीं पे आई थी, मुझे मतलब घुमाने के लिए लेकर आए थे तो मुझे, और अपने हस्बैंड के साथ आई थी शिवरात्रि के टाइम पे, मुझे ये इतना याद है शिवरात्रि के टाइम पे हम आए थे। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना यहाँ पे भी, मतलब ये यहाँ पे जो था ना वो बस आपल वाला वो वहाँ पे भी ग्राउंड में करके वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और इसको देखो कितने अच्छे से पूजा कर रहा है, इसको भी पूजा पाठ करने में बहुत मज़ा आता है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं हम मेरे साथ साथ ही करते हैं, मैं घर पे भी ऐसे पूजा करती हूँ तो भी मेरे साथ साथ करता है। और ये बोल रहे देखो ना भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं, और वहाँ से अभी ऊपर जाने का रास्ता है, अब फिर हम ना ऊपर जाएंगे और वहाँ पे वहाँ का भी व्यू काफ़ी अच्छा है मुझे जहाँ तक याद है। क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी कैमरा वगैरह फ़ोन कुछ भी अलाउ नहीं रहता था, और आज हम कितने मज़े से फ़ोटो शूट कर रहे हैं। मुझे वो सीन एक याद आ रहा है और एक आज का सीन याद आ रहा है। एंड अब हम चले फिर ऊपर की तरफ, एंड 3rd फ्लोर तक है, एंड 4th फ्लोर की जो है वो वाला उसमें ना ताला लॉक था। तो फिर ये मैंने वो ऐसे पूजा किया तो ये भी आकर के वैसे कर रहा है, फोटो खींचना वहाँ से फोटो। एंड तो फिर हम आ गए यहाँ पे 3rd फ्लोर पे, एंड यहाँ से देख सकते हो कितने बड़े वो बस हवेली इसको बोलते हैं। एंड यहाँ से देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है, एंड ये फतिंगा उड़ रहा है। सो फाइनली अब हम आ गए हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, क्योंकि अब हमने वहाँ पे पूरे का पूरा वो ऐसे वैसे भी और शूट आया था कोलेब्रेशन के लिए, तो थोड़ा वीडियो वगैरह भी शूट करना था तो मैंने कर लिया। एंड उसके बाद से हम नीचे आ गए क्योंकि अब घर जाने के लिए, तो अब हम निकल पड़े घर के लिए। आज का दिन भी वैसे काफ़ी अच्छा था, मतलब हम जैसे सोचे थे ना कि बारिश वगैरह है तो पता नहीं क्या कैसे ना क्या रहा, मतलब आज का दिन ना सच में सही था। बस देखने में ऐसे सड़क पे पानी पानी है, थोड़ा सा सुन सन्नाटा जैसा लग रहा है। और ट्रस्ट में पता है ऐसे जाते थे ना तो पूरे धूप में खड़े होकर के, एक तो गर्मी का टाइम रहता था और बच्चे लेकर रहे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हाँ मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती, और मैं बाबू को तो छोड़ नहीं सकती क्योंकि उसके बिना तो मुझे कहीं आने जाने का मन नहीं करता। आज उसका स्कूल हो तो ऐसे जाते तो हम उसके आने तक हम चले आते, लेकिन नहीं मेरे बच्चा नहीं, हमने बोला कोई नहीं मैं स्कूल से बात करेंगे एंड उसको छुट्टी करके साथ में ही जाएंगे, जाएंगे तो तीनों जाएंगे अदरवाइज कोई नहीं जाएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला चलो ठीक है, तो और वैसे भी अचानक से बारिश ही आएंगे तो इसकी वजह से जा ही नहीं पाए। तो और आज ना पूरे मैं 10 बजे उठी थी, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 10 बजे मैं उठी, उसके बाद से नहा धो करके पूजा करी घर पे, पूजा की फिर मंदिर हमारे पास का जो मंदिर वहाँ करके, और बस चाय मैंने बनाया और बाबू बिस्किट वगैरह खाया, वो कुछ भी नहीं खाया बस दूध और बिस्किट खा करके उसके बाद से हम लोग निकल पड़े। और हमने वहाँ पे भी कुछ नहीं खाया था और इंसिडेंट देखो कि मतलब हम जैसे वहाँ से निकल रहे थे तुरंत जस्ट ऑटो भी मिलते जा रहे हैं, मतलब पहले ऐसा सीन होता था कि 2-3 ऑटो चेंज करके फिर वेट करना पड़ता था कब आए कब आए। और आज का मतलब इतना अच्छा दिन बोलो कि क्या बोलो, मतलब सब कुछ यार इतने अच्छे से और सब जल्दी, मतलब हम 11 बजे गए थे और 1 बजे के करीब हम घर पहुंच गए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने वहाँ से जाते थे हम मतलब सोच रहे हैं प्लान बनाने के, मतलब घर जाएंगे तो फिर खाना बनाने वो रहेगा ना, क्योंकि हमने कोई भी खाना खाया नहीं। और शाम को मेरे जो हस्बैंड है उनको जो है नाइट शिफ्ट तो जाना है उनको, तो वहीं सोच रहे थे कि खाना क्या बनेगा क्योंकि मैं खाना बना के तो आई नहीं थी। फिर हम ऐसे ही प्लान कर रहे थे, मेरे हस्बैंड ने मैंने सोचा कि बिरयानी वगैरह ले लेते हैं, तो फिर वो था ना कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो ज़्यादा लेट हो जाता है तो बिरयानी का शौक ना बंद हो जाता है हमारे यहाँ जो है वेज बिरयानी का, काफ़ी टेस्टी लगता है। और जैसे देख सकते हैं मैं वो फरीदाबाद यहीं भी जो मैंने पिछले जो ब्लॉग में अपलोड किया था वो यहीं का था, काफ़ी अच्छा ही माहौल है। तो बस यहीं सोच रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो देखते हैं क्या छोले कुलचे ले लेंगे वहीं से वहीं खा लेंगे, तो यहीं प्लान बन रहा था। यहाँ हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ
यहाँ पे तो अभी सूखा है रोड, जैसे कि देख सकते हो। एंड यहाँ पे ना ओवर हो गया था बहुत, मैं सोच रही थी मतलब ना आने के लिए, फिर ये हुआ ना कि ऑटो पे हम बैठ गए थे, फिर आने जाने में फिर उतरने में फिर वो टाइम नहीं लगता। तो मैं इसमें चलो कि वहाँ पे दर्शन होंगे, फिर कभी नेक्स्ट टाइम जब कोई छुट्टी ऑफ रहेगा तो फिर हम यहाँ पे भी आ जाएंगे। एंड यहाँ पे उसके बाद से दो और सवारियाँ हो गई थी, तो भैया ने बैठा लिया, तो फिर उसके बाद से हम चलते पड़े। अब हो गया पानी शुरू, पता है मेरे को ना सबसे ज़्यादा डर क्या लगता है, यहाँ पे ना ये जो भी रोड है ना, यहाँ पे ना पूरे के पूरे पानी में क्लीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो सारे के सारे धूल मिट्टी की वजह से सारे पानी ना बिल्कुल मतलब वो पानी रहता है ना वाइट वाइट ब्लू की तरह, तो ना ब्राउन मैला जैसा हो गया ना एकदम से, कुछ दिखता नहीं है। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा ये टेंशन होती है ना कि मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ वगैरह जाती है, तो सोचो कहीं यार रोड वगैरह कोई मतलब वो होता है ना टूटा वगैरह, तो उसमें सोचो अगर कोई मतलब मिस्टेक से अगर कोई अगर उसमें पड़ गया चक्का वगैरह, तो सोचो कितनी वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं वहाँ से आ रही थी तो मतलब एक जगह इतने बड़े गड्ढे थे, मैं आपको बता नहीं सकती, यही था कि वहाँ से ना सारा पानी चल रहा है, यहाँ से जाते टाइम पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो होगा कहीं पता नहीं पीछे खत्म हो गए कि शायद आने वाले हैं। हाँ ये वाला बोला, देख सकते कितने बड़े जा रहे हैं। हम जब वहाँ से आए थे ना तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पानी लगा था, सारे यही था ना कि उसमें सारा पानी अंदर चला जा रहा था, तो सामने से वो दिख रहा था। अदरवाइज सोचो कि किसी मतलब गाड़ी का अगर वो चक्का वगैरह पड़ जाए तो यार कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं तो हम जब बैठे थे ना वो ना एक ऐसे ही अचानक से पता नहीं कहीं किसी गड्ढे वड्ढे में फंस गया था, तो ना ऐसा लग रहा था जैसे अब की तक वो ना और पलट जाएगा, ऐसा सीन हो गया था। बट थैंक गॉड सेफ थे हम लोग, तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा डर लगता है, बाकी और कुछ नहीं। ऐसे तो यार देख सकते क्या हालत है। वैसे पता है हमारे और मतलब ऑटो में ना एक मतलब अंकल बैठे थे, वो बोल रहे थे कि अरे हमारे यहाँ फरीदाबाद में अगर एक घंटे भी बारिश हो जाए ना तो फरीदाबाद लोड नहीं ले पाएगा। देखिए तो कितने ज़्यादा बुरी हालत हो गई है, मतलब मैं बाबू को स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो पूरा मतलब 5 मिनट 10 मिनट बारिश क्या होती है पूरे के पूरे सड़क पर पानी पानी हो जाते हैं, तो फिर मैं उसे ना उसको गोद में लेकर आना पड़ता है और पूरे डुबुक डुबुक करके ऐसे मतलब। और घीन सबसे ज़्यादा इतनी ज़्यादा घीन आती है ना कि मैं बता नहीं सकती। हम भाबू का ना एक वहाँ पे गली, वहाँ पे तो इतनी गंदी रहती है ना पोषण, हमारे यहाँ के तो है काफ़ी सारे के सारे लोग साफ करके रखते हैं अपने दरवाजे पर, हमारे यहाँ तो काफ़ी साफ़ रहते हैं, क्योंकि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, तो मतलब ऐसा है हमारे यहाँ साफ़ रहता है हमारे यहाँ का। और हमारे यहाँ सड़क पर इतने पानी भी नहीं हो रहा था, वहाँ पे थोड़ी आगे बहुत वहाँ पे थोड़े गंदगी करके रखते थे, वहाँ पे थोड़ा पानी जमा भी रहता और गंदगी रहता। तो ये आंटी जो हमारे साथ चढ़ी थी तो ये उनको यहाँ पे उतरना था तो ये उतर भी गए। अब फिर ये भैया हमें नहीं बजा रहे हमारे घर की तरफ, देख सकते कितना पानी बन और ना मेरे पैर में भी पानी आ रहा है, अच्छा बहुत बात करते। यही टाइम था कि ना जब मैं कॉलेज के टाइम पे जाती थी ना, मुझे याद आ गया कि जब हम जाते थे ना ऑटो में ऐसी साइड से कोई क्रॉस होकर के जाता था और हमारे कपड़े में छींटे पड़ जाते तो बवाल मच जाता था, एकदम से हंगामा हो जाता था। कोई मतलब हम तो हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ना हम तो किसी को ऐसे भी कुछ बोलते नहीं, बट कुछ कुछ लड़कियाँ होती है ना थोड़ा एटीट्यूड वाली, तो मतलब बवाल पूरा हो जाता था, काफ़ी हंगामा हो जाता था। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी टाइम हो गया। एंड अब हम जा रहे हैं घर पर, उसके बाद से जो है ना खाएंगे पियेंगे और रेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं होती है उसके बाद चलता है। फिर वो तो थक ही जाते हैं ना जब बाहर आते जाते और बाबू को देख सकते हो ऐसे काफ़ी शांत सा लग रहा है, उसको ना नींद ही आ रही थी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।